चरस पी के आया है। जरी बात है पुलिस वाले जो है उनको एक्सपीरियंस होते हैं उन चीजों। सलमान खान की शादी के शादी को ले वो वहां से लड़का अंदर गया। मैंने क्या टाइप कर रहे हो, तो मतलब उस देखें वालिद वालिद होता है, नशेई नशेई होता है। 24 से 25 साल यंग नौजवान जो कि शराब के नशे में धुत अपने घर गया और वालिद की डांट से बचने के लिए उसने अपना लैपटॉप खोला और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके वालिद जूस के कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने पूछा कि बेटा शराब पी के आए। उसने कहा नहीं अबू आपको किसने कहा। उसने कहा नहीं अबू आपको किसने कहा। उसके अबू ने कहा अगर आप शराब के नशे में नहीं हो तो अम्मी अम्मा का ब्रीफकेस खोल के क्या टाइप कर रहे हो, तो मतलब उस देखें वालिद वालिद होता है, नशेई नशेई होता है। बहुत प्यारी बात की उसके वालिद ने। और इंटरव्यू चल रहा है भैया, 24 से 25 साल नौजवान शराब पी के घर गया। उसके हवाले मुझे उसका जवाब देना आपसे, मैं पूछ रहा हूँ आपने मुझे गिला क्यों किया, आपने मुझे क्यों गिला किया यार। आपका आप गिले नहीं हुए, आपका बेड़ा गर्क हुआ है भैया। मरना क्या भोसड़ी के, चरसी चरस पीकर एक थाने के बाहर से गुजर रहा था, पुलिस वालों को उस शख्स की चाल देख के शक हो गया कि ये चरसी है और चरस पी के आया है। जहरी बात है पुलिस वाले जो है उनको एक्सपीरियंस होता है उन चीजों, उनको इस चीज का पता होता है कौन चरस पी के आया और कौन चरस पी के नहीं आया। ठीक है, तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग के कब्रिस्तान के अंदर चला गया। तो कब्रिस्तान से मुझे याद आया, अल्लाह माफ करे, मैं कब्र की बात करता, मुझे सन 17 की लाश की तरह आपकी शक्ल है, हुआ क्या आपको है? पूरी दुनिया परेशान है कि क्या वजह हुई न्यूजीलैंड की टीम पिंडी स्टेडियम में नहीं आई और वापस अपने मुल्क चली गई। उन्हें खतरा ये था कि शायद पिंडी बॉय जो हैं उनको उनका इस्तकबाल जो है कुछ इसी तरह के गुब्बारों से करें, तो उनको इस तरह का कुछ डर था। तो खैर अब उनका डर था, मुझे तो नहीं पता उनका डर किस वजह से था। न्यूजीलैंड की टीम बारा मार रही हो जा रहा हूँ, अरे मैं ताने मार रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से क्यों गई। अब सलमान खान की शादी के वो वहां से लड़का अंदर गया। मैंने दूर है भाई, कैसे हो सकता है, मार के भागे ना अल्लाह के बंदे। एक तो मैं आपको नजर ही नहीं यार, मुझे नजर ही नहीं आ रहा है ये यार। अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं नजर आ रहा, बाकी मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे माफ करेगा। तो नाजीन बात चल रही सलमान, एक दफा का जिक्र है कि एक गांव की दीवार पे एक मुर्गा बैठा हुआ था। उस घर में एक सरदार को बुखार था, उसकी बीवी ने कहा कि मैं आपके लिए मुर्गी की यखनी बना देती हूँ। तो वो देखकर मुर्गा घबरा गया और मुर्गे ने उस लड़की को बोला कि अल्लाह ने पहले पेनाडोल दे के देख लो कि शायद आराम आ जाए। मुर्गा आप देखें जहरी बात है जान पे बनी हुई थी, तो काफी उसने अच्छी बात की कि चलो हो सकता है पेनाडोल से आराम आ जाए और मेरी जान भी जो है बच जाए। तो इसी तरह की मजीद आपने कहानियां अगर सुनी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, क्योंकि इस तरह की और कहानियां भी आपको जो है वो इसी चैनल पे मिलेंगी। क्या हो गया ये हरकत, क्या कर रहे हैं यार, ये बड़ी प्रोफेशनल हरकत है, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं। अरे भाई ये बताएं ये दोबारा क्यों मार रहे हैं। अरे भाई मैंने आपको क्यों दोबारा मार रहे हैं, सरदार को 104 का बुखार है, आप मुझे उस टेंशन में, मुझे गीला कर दिया यार, मैं अपने काम पे जा रहा था यार, ये आप क्या कर रहे हैं। अरे मेरी जान, एक तो आप एन के पैन के भी बहुत बुरे लग रहे हो, मैंने देखा आपको जाते हुए बहुत बुरे लग रहे थे, ऊपर से आप रिपोर्टिंग के बीच में आ रहे हो। बुरा लगू जो भी लगू भाई, ये मेरी मसला है ना।